आज की रेसिपी के लिए हमें सामग्री में चाहिए बचे हुए कॉलीफ्लावर फ्लोरेट के स्टेम्स, वो भी चॉप्ड कर दिए गए हैं। छोंक लगाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड, 2 इंच का अदरक, 5 से 6 हमारा लहसुन का पीसेस, बाद में लहसुन और अदरक का हम बॉईल करके पेस्ट बनाएंगे, 1 हरी मिर्च, 2 टीस्पून ऑफ करी पाउडर, और सब्जी में चाहिए एक्स्ट्रा हमें एक छोटा सा गाजर का पीस। इसको अच्छे से धोकर छिलकर हम इसको चॉप करेंगे। एक टमाटर मीडियम साइज का, 4 स्मॉल साइज का ऑनियन, सॉल्ट टू टेस्ट, अपने हिसाब से आप सॉल्ट यूज कीजिएगा, और थोड़ा सा हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी फॉर कलर एंड टेस्ट। अब फटाक से चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। स्टेनलेस स्टील का पतीला ले जाइए विद सम वाटर, थोड़ा सा पानी देकर उसको मीडियम फ्लेम में गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन को उसमें डालते हुए बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसका रॉनेस चला जाए। उसको हम ढक लेते हैं। जब तक ये बॉयल होता है तब तक हम क्या करेंगे ना, हमारा प्याज और टमाटर गाजर को अच्छे से धोकर बारीक काट लेंगे। आफ्टर बॉइलिंग ये हमारा अच्छे से बॉयल हो गया अदरक और गार्लिक, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। टोंग स्टिक कढ़ाई ले जाइए जिसमें हमारा जाएगा 1/2 टेबल स्पून ऑफ राइस ब्रैन ऑयल। जब तक ऑयल गर्म होता है हम बॉइल्ड जिंजर गार्लिक को पेस्ट बना। तेल हमारा अभी अच्छे से गर्म हो गया है, जीरा छोंक लगाने के लिए अभी रेडी है। जीरा का हम छोंक अभी लगाएंगे। अब इसको रोस्ट करेंगे करीबन फ्यू सेकंड्स के लिए। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, हमारा बॉइल्ड जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। अब इसको ये गोल्डन ब्राउन होने तक लो फ्लेम में हम इसको पकाएंगे। ये अभी हमारा अच्छे से पक गया है। अब मैं ग्रीन चिली को 4 कट कर ली, लेकिन कंप्लीट कट नहीं की, थोड़ा सा ऐसे कट की हूँ। और ये हमारा गया कटा हुआ प्याज, अब इसको थोड़ा मुलायम और ब्राउनिश कलर होने तक इसको हम फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम में। ये हमारा ब्राउनिश कलर हो गया, फिर हम यहाँ टमाटो डालकर इसको फ्राई करेंगे। टमाटर मैं पहले से नहीं डाली क्योंकि टमाटर पहले डाल देंगे वो क्या होगा ना, प्याज को अच्छे से पकने नहीं देगा। टमाटर अच्छे से पकने के लिए छोड़ने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, करीबन 1/2 टीस्पून ऑफ नमक, 1 ऑफ हल्दी फॉर कलर एंड टेस्ट, अच्छे से मिलाकर लो मीडियम फ्लेम में इसको पकने देंगे। अब ये हमारा अच्छे से पक गया है, इसमें जाएगा हमारा कटा हुआ गाजर, कॉलीफ्लावर फ्लोरेट का स्टीम्स, थोड़ा करी पाउडर, हमारे ये करी पाउडर अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी देकर इसको क्या करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे ढककर मीडियम फ्लेम पर। कॉलीफ्लावर फ्लोरेट स्टेम के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नजर जरूर घुमा लीजिएगा। ये अच्छे से अभी पक गया है, मैं गैस को टर्न ऑफ कर लेती हूँ। अब क्या करेंगे, हम एक सर्विंग बाउल में इसको सर्व करेंगे और खाएंगे। और क्या करेंगे, मुझे तो बहुत जोर की भूख आ रही है, इसकी स्मेल और टेक्सचर को देखो, वाह, मुझे तो कंट्रोल नहीं हुआ, मैं तो चली खाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट माई क्लास, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।